ये शिमला मिर्च कैसे दी? मुझे इनके रेट्स नहीं पता है। अच्छा, तुम यहाँ पे दुकान पे खड़ी हुई हो और तुम्हें रेट्स नहीं पता? I really don't know, सच में मुझे नहीं पता। ओह, तो तुझ जैसे गवार को इंग्लिश भी आती है? अब आप बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। अच्छा, मैं बदतमीजी कर रही हूँ? एक तो दुकान पे खड़ी होकर रेट नहीं बता रही, ऊपर से मैं बदतमीजी कर रही हूँ? मैं तुम जैसे गरीबों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम यहाँ पे खड़े होकर दिन के 100 से 200 रुपए कमाते हो और इतना बोल रहे हो। देखने से तो आप बहुत अच्छी फैमिली से लगती है, लेकिन लैंग्वेज उतना ही खराब इस्तेमाल कर रही हैं आप। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी कि मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ? तो जानती है मैं कितने बड़े घर में रहती हूँ, पूरा 2 करोड़ का फ्लैट है मेरा। हाय बड़ी, तूने कभी अंदर से देखे भी नहीं होंगे कैसे होते हैं ऐसे फ्लैट्स। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, अब आप कुछ भी बोले जा रही है मुझसे। अच्छा चल बता क्या करेगी, वरना जरा तूने अपनी हालत देखी है? तेरे जैसे सूट ना मैं अपनी नौकरानी को भी ना दूँ। मेरे कपड़ों पे कमेंट करने से पहले ना एक बार अपने कपड़े देख लीजिए। मेरे कपड़े? क्या बुराई है मेरे कपड़े में? पूरे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं मैंने, तुम्हारी तरह नहीं, लो क्लास। देखिए मुझे ना आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जा सकते हैं। तेरी इतनी हिम्मत? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा? सौरा तुम क्या कर रही हो? सागर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस गए थे ना? एक्चुअली मैं ऑफिस ही जा रहा था मैम को लेके। सडनली मैम को कुछ सब्जी लेनी थी तो मैम यहाँ सब्जी वाले की दुकान पर आई, तो बस सब्जी वाले की तबीयत खराब हो गई थी, उसी को हॉस्पिटल छोड़ कर आया हूँ। इतने मैम उसकी दुकान की रखवाली कर रही थी। सागर तुम इन्हें जानते हो? अरे मैम ये मेरी वाइफ है सौरा, बताया तो था आप मैंने आपको सौरा के बारे में। अच्छा तो ये है तुम्हारी वाइफ? हाँ, आप मिले इनसे? हाँ मिली भी, बात भी की मैंने इनसे, हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। अच्छा सुना है कि तुम्हारा 2 करोड़ का फ्लैट है? अरे नहीं मैम, हमारे पास कहाँ 2 करोड़ का फ्लैट होगा, आपको तो पता ही है हम रेंट पे रहते हैं, और वैसे भी जो सब कुछ दिया हुआ है वो सब कुछ आप ही की तो बदौलत है। वैसे सौरा तुमने कुछ कहा है मैम को? पूछो क्या नहीं कहा है, तुम्हारी वाइफ सच में बहुत ज़्यादा बदतमीज है। सौरा तुमने क्या किया मैम के साथ? तुमने मैम से बदतमीजी की है, तुम्हें पता है हाँ जो भी तुम कपड़े पहन रहे हो, मैं जो भी कपड़े पहन रहा हूँ वो सब कुछ मैम की बदौलत है। अगर मैम मुझे अपनी कंपनी में जॉब नहीं देती ना तो आज हम इस पोजीशन पर नहीं होते। मैम बहुत अच्छी है और तुमने इतने अच्छे इंसान के साथ ही बदतमीजी की, तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म आई नहीं? और अगर अभी थोड़ी बहुत भी शर्म बची हो ना माफ़ी मांग लो इनसे प्लीज। आई एम सो सॉरी, मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप सागर की बॉस हो। आई एम सॉरी। हाँ मैम, सौरा की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आज मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ सागर की वजह से, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा एम्प्लॉय है और ईमानदार भी है। और तुमने मुझे क्या बोला, मैं सूट पहन के खड़ी हूँ? सूट हमारा इंडियन कल्चर है, जिससे तुम ये वेस्टर्न कल्चर फॉलो करती हो ना, सपोर्ट करती हो। अगर हमारे देश के कल्चर को सपोर्ट करोगी ना बहुत अच्छा रहेगा। मैं ध्यान रखूंगी। सौरा तुम घर जाओ, मैं शाम में आकर मिलता हूँ तुमसे। और सागर तुम भी हॉस्पिटल चले जाओ और देख लेना सब्जी वालों को जो भी नीड हो ना आप उनको प्रोवाइड करवा देना, मैं दूसरे ड्राइवर को कॉल करके आती हूँ। जी मैम, जैसा आप बोलो।